बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को उनकी दमदार एक्टिंग और इम्प्रेसिव डायलॉग के लिए जाना जाता है। जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ शानदार रही, वहीं पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही। एक्टर ने 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट किया था। हालांकि उनकी लव स्टोरी का अंत बेहद दुखद हुआ था। आइए आपको उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। साल 1996 में मनीषा और नाना पाटेकर की फिल्म अग्नि साक्षी के लिए कास्ट किया गया था। दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय मनीषा कोइराला अभिनेता विवेक मिश्रान के साथ अपने पिछले रिश्ते से मुश्किल से बाहर निकली थी, इसलिए फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें नाना पाटेकर के दमदार व्यक्तित्व से प्यार हो गया। वहीं नाना भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। इस तरह दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जब नाना पाटेकर ने मनीषा को डेट किया, तब उनकी शादी नीलकांती नाम की लड़की से हो चुकी थी। अभिनेता ने 1980 में शादी की थी जब वह 27 साल के थे। फिल्म अग्नि साक्षी के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद इस जोड़ी को फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली ने खामोशी में कास्ट किया। तब तक दोनों के रिश्ते की खबर इंडस्ट्री में फैलने लगी। दिलचस्प बात यह है कि मनीषा कोइराला के पड़ोसियों ने भी नाना को कई बार अभिनेत्री के घर पर आते देखा था, जिस पर नाना ने कहा था वह अक्सर मेरी माँ और बेटे से मिलने आती थी और वह उनसे बड़े प्यार से मिलते थे। हालांकि जैसे जैसे दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़े, वैसे वैसे नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को लेकर पॉजिटिव हो गए थे, जो उनके कपड़ों से लेकर उनके को स्टार तक काफी रोक टोक करने लगे थे। नाना के बार बार ऐसा करने से मनीषा कोइराला परेशान हो गई थी और उनके बीच बहस होने लगी। एक वक्त पर दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था और इस रिश्ते में दरार आने लगी। नाना कई सालों तक अपनी पत्नी से दूर रहने के बावजूद उन्हें तलाक देकर मनीषा कोइराला से शादी करने को तैयार नहीं थे। यही एक दुविधा थी जिस वजह से वह मनीषा से शादी करने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। ऐसी खबरें थी कि तब नाना उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगे थे। मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर के साथ जब आयशा जुल्का को एक साथ देखा तो उन्होंने नाना से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद एक्ट्रेस को लगा कि वह फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। हालांकि नाना के लिए चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि भले ही मनीषा से ब्रेकअप के बाद वह थोड़े निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने आयशा संग रिश्ता जारी रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिलेशन को ऑफिशियल भी कर दिया था। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान नाना ने आखिर मनीषा कोइराला के साथ ब्रेकअप की बात कबूल की। नाना पाटेकर से ब्रेकअप के बाद आखिरकार साल 2010 में मनीषा कोइराला ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल के साथ शादी रचाई। दुर्भाग्य से यह शादी चल नहीं पाई और उनका तलाक हो गया। वहीं जब नाना पाटेकर के पहले बेटे की डेथ हुई तो वह पूरी तरह से टूट गए। तब वह अपनी पत्नी के पास वापस चले गए। आज तक अभिनेता अपनी पत्नी और दूसरे बेटे मल्हार के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।